सबसे बड़ी आयुष्मान योजना जो बाकी क्षेत्र के लोग जिसके जिसे लाभान्वित होते हैं, ये योजना का सहयोग यहाँ पे नहीं मिलता है। और बहुत सारी ऐसी योजना है, जब पार्टी के लोगों से बात करके, लोगों से उनकी अपेक्षा या उनसे फीडबैक से मुझे ये जानने को भी मिला कि बहुत सारी ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार की योजना को अपना नाम देकर यहाँ पे उनका लोगों को उनको अलग तरीके से ये योजना के बारे में बताना। सबसे बड़ी योजना जो होती है प्रधानमंत्री आवास, हर गरीब लोगों को घर देना जो हम लोगों ने संकल्प किया था, और किसानों की आय दुगना करना, तो ये दोनों चीज़ों में यहाँ सरकार ने ऐसा कर लिया है कि अगर वो दुर्योजना का नाम बदल कर उनको ये भ्रमित किया जाता है कि ये योजना राज्य सरकार की है, जबकि सबको पता है कि महिलाओं के नाम घर लेने से 1,10,000 तक की, 1,80,000 तक की राशि उसके अकाउंट में जमा होती है, और उसके 2 किस्तों में बनने के बाद ही ये घर आवास बनता है, या तो शहरी क्षेत्र में है या तो रूरल क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा योजना यहाँ पर सरकार ने करी है। जब फानी का आक्रमण हुआ तब भी 3,338 करोड़ का विशेष अतिरिक्त केंद्र की सहायता यहाँ पे दी गई है। तो केंद्र सरकार ने रेलवे बजट के लिए, जैसे मैं रेल मंत्री हूँ, अब तक की सबसे ज़्यादा रकम यहाँ पे दी है 9,734 करोड़ रुपये की। लेकिन रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हमें ज़मीन एक्वायर करनी होती है, और इसके साथ में जो रूरल एरिया या फॉरेस्ट एरिया है उसमें क्लियरेंस चाहिए, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके कारण, वो मान्यता न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये बजट जो अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा 9,734 करोड़ रुपया, जो वार्षिक आवंटन से 10 गुना, जो कांग्रेस के समय में मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा है। खास करके आपदा के समय हमेशा प्रधानमंत्री जी यहाँ पे सबके साथ में, लोगों के साथ रहे। सबसे अच्छी बात जो हम महिलाओं के लिए हुई, क्या यहाँ से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के सर्वोच्च स्थान पे बिठाकर एक अच्छा उन्होंने एग्जांपल लिया कि किस तरह से ये महिलाओं के प्रति सम्मान की बात, जहाँ सबसे ज़्यादा किससे हमें सुनने मिलते हैं कि यहाँ दहेज के नाम पर या तो महिलाओं के प्रति उत्पीड़न करना, ये चीज़ें सामने आई है। असुरक्षित शिशु और महिला, ये सबसे ज़्यादा रेशियो जब यहाँ पे हुआ है कि 2021 में 1.36 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 10,000 में 1,21,000 की संख्या थी, वो बढ़ गई है। राज्य भर के पुलिस स्टेशनों में बलात्कार के 1,563 मामले दर्ज किए गए हैं आज तक, और यौन उत्पीड़न मामले में भी 4,000-5,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। चिंताजनक शिशु और मातृ शिशु जो मृत्यु दर है, इसमें भी सबसे टॉप पर बोले जा सकते हैं कि उड़ीसा में सबसे खराब प्रदर्शन के राज्यों में से एक चुना हुआ है, कि 37.26 आबादी पोषण से वंचित है यहाँ पे लोग, और जबकि बाल और किशोर मृत्यु दर में भी 2.23% से ज़्यादा ये लोग का मृत्यु दर होता है। सरकार में 22 साल रहने के बाद भी ये जवाब उन्हीं से मैं नवीन बाबू से मांगूंगी कि माताओं और बच्चे का मृत्यु दर में इतना बढ़ावा क्यों हो रहा है, और आयुष्मान भारत का न होना ये सबसे बड़ी कमनसीबी की बात है। जब एक परिवार में या तो घुटनों का दर्द हो या तो 25 से ज़्यादा ऐसी योजना है जिसमें लोगों को स्वास्थ्य लाभ सेवा का प्रदान हो सकता है, तो ये पूरे करोड़ों प्रवासी लोग को जो योजना का लाभ मिलता है, भारतीयों का, उसका लाभ, प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिलता है।